जहां पर देश भर में आजादी का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए आजादी की 77वीं वर्षगांठ की सभी देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रदेश में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 110 पुलिस के जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व का पल यह भी है कि एक जवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस जवानों को ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें पुलिस का भी अहम योगदान है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। को प्रदेशवासियों को समस्त पुलिस कर्मियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमने सभी को आज शपथ दिलाई और साथ ही साथ हमने एक ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और हम पुलिस कर्मी हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने में लगी रहती हैं उनसे हमें पार पाना है और उनसे लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है, जिससे कि देश बहुत शीघ्र जो है वर्ल्ड की सुपर पावर बन सके।